विस्थार चोन कमिशन ने होशियारपुर जिले के दसूहा हल्के च जिमनी चोन करवाउण दा ऐलान कर दिता। दसूहा विधानसभा हल्के लिए अगले महीने 11 जुलाई नूं चोन करवाई जाएगी। इस हल्के का नतीजा 14 जुलाई नूं ऐलाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दसूहा तों विधायक अमरजीत सिंह साही दे अकाल चलाने तों बाद यह सीट खाली हो गई सी अते चोन कमिशन ने इस ते चोन करवाउण दा सोमवार नूं ऐलान कर दिता। चोन कमिशन वल्लों चोणां दे ऐलान नाल होशियारपुर जिले च आदर्श चोन जाबता तुरंत लागू हो गया। दसूहा हल्के लई चोणां दा नोटिफिकेशन 16 जून नूं जारी कीता जाएगा अते 23 जून तक नामजदगियां भरियां जा सकदियां ने। 25 जून नूं कागजां दी पड़ताल कीती जाएगी ते 27 जून नूं नाम वापस ले जा सकदे ने। दसूहा चो 11 जुलाई वोटां सवेरे 8 बजे तों शाम 5 बजे तक पाईआं जाणगीआं। पठानकोट के पिंड रातावाड़ा च खेतों च पानी लाउण नूं लै के दो धिरां च होए झगड़े च गोली चलण नाल दो किसान गंभीर रूप च जख्मी हो गए। पुलिस सूत्रों मुताबक जिले के पिंड रातावाड़ा च अर्जुन सिंह और जसवीर सिंह नां दे किसानां दे धड़ियां च पानी की वारी नूं लै के झगड़ा हो गया सी, जो हिंसक रूप धारण कर गया अते दोवां धड़ियां वल्लों एक दूजे ते गोलियां चलाईआं गईआं। इस गोलीबारी च अर्जुन सिंह अते जसवीर सिंह गंभीर रूप च जख्मी हो गए। दोवां नूं पठानकोट दे सिविल हस्पताल लिआंदा गया जित्थों उन्हां दी हालत नाजुक देखदिआं गुरू नानक हस्पताल अमृतसर विखे रैफर कर दिता गया। उन्हां दी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस मुताबक इस तों पहलां भी किसानां दे दो धड़ियां विचाले पानी की वारी नूं लै के झगड़ा हो चुका है। अमृतसर पुलिस ने शहर के शेरटा इलाके चो छापेमारी करके देह व्यापार का धंधा करने के दोष च दो औरतों समेत 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुताबिक उन्होंने गुप्त सूचना मिली सी कि शेरटा चो रहते एक व्यक्ति अपनी पत्नी नाल मिलके देह व्यापार का अड्डा चला रहा है। पुलिस ने इस सूचना के आधार से छापेमारी करदिया पति पत्नी समेत एक औरत और दो नौजवानों को काबू कर लिया। अज मगोर खास वालों सलाह मिली है कि अपना जरा सरबजीत कौर मनोज कुमार जरा वा ये अपने घर जो बदकारी का जरा धंधा करते हैं जिते मौके पर पहुंच के देखा गया कि अपने जरा है एक लड़की होर जी रेखा जी का ना ही इस तो अलावा जरा एक मुंडा जिमी होर एक होर है लाल दीन शंगा ऑस्ट्रिया के वियना च एक धार्मिक आगू की हत्या तो बाद पंजाब च भड़की हिंसा के मामले च दावे निपटाने लई पंजाब सरकार ने केरल हाई कोर्ट के सबका चीफ जस्टिस वीके बाली की अगुवाई हेठ कमिशन नियुक्त किया। दस दई कि 2009 पंजाब के कुछ शहरों च वड्डे पद्धर से हिंसा हुई थी। कमिशन नूं सहयोग देने लई पंजाब दे साबका सैशन जज सी आर गोयल नूं नियुक्त किया गया। पंजाब सरकार ने इस संबंध च नोटिफिकेशन भी जारी कर दिते हैं। पंजाब सरकार ने कमिशन के गठन संबंधी हाई कोर्ट च जानकारी दी है। अदालत च जद यह मामला सामने आया तो एल एन मित्तल और जस्टिस रजिंदर सिंह ढीलसा की वकेशन बैंच नूं यह भी दस्या गया कि कमिशन दी शर्तां और नियम भी वक्रे तौर ते बनाए गए ने। यह भी दस्या गया कि पहला जारी नोटिफिकेशन च सोध की गई है क्योंकि इस विच कुछ गलतियां सन। जलंधर नूं छड्ड के होर किसी जिले च हिंसा होने बारे जिक्र नहीं किया गया सी। कमिशन हिंसा दौरान हुए नुकसान का जायजा लेगा और हिंसा भड़काने वाले को मुआवजा करवाया जाएगा। रेवाड़ी के होन चिल्लड़ पिंड विच हुए सिख कतलेआम मामले के पीड़ित अज जस्टिस टी पी गर्ग कमिशन के सामने पेश हुए। होन चिल्लड़ कांड नूं उजागर करने वाले मनविंदर सिंह भी इन लोगों विच शामिल सन। मनविंदर सिंह ने दोष लगाया कि हरियाणा सरकार दोषियों का साथ दे रही है। मनविंदर सिंह ने दस्सिया कि हाई कोर्ट ने सूबा सरकार नूं गर्ग कमिशन का दायरा वधाउण संबंधी हुक्म जारी किए ने जिन्हां नूं सरकार ने हाले तक गर्ग कमिशन नूं नहीं भेजा। गर्ग कमिशन नूं अपनी रिपोर्ट सौंपनी सी पर यह अजे तक नहीं सौंपी जा सकी है।
जस्टिस गर्ग ने दस्या कि इस मामले विच भारत सरकार अते हरियाणा पुलिस ने अपने जवाब दायर कर दिते ने। हमारे पास आए भी नहीं दी, नहीं हमारे पास गवर्नमेंट ने दी, हमारे पास पेटिशनर्स ने उसकी कॉपी दी थी, कॉपी फोटो कॉपी सर्टिफाइड कॉपी नहीं, वो हमने इनको दे दी। ये कहते हैं हमने उस FIR पे जाटू साना पुलिस में केस रजिस्टर हुआ था उसने, और हमने तफ्तीश की थी और वो केस अनट्रेस फाइल हो गया था, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था। तो हमने कहा कि उनसे अनट्रेस रिपोर्ट आ दीजिए, वो कहते हैं वो कितने साल के बाद में रिपोर्ट एक्स्ट्रा आएगा। दुख की बात यह है कि 2 महीने हो गए ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आए हुए, हरियाणा गवर्नमेंट ये कितनी सीरियस है इस बात से पता लगता है कि 2 महीने तक जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है ये जस्टिस टीपी गर्ग साहब को अभी तक नहीं मिला है। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से ये इससे पता लगता है कि ये दोषियों के साथ मिली हुई है और इनका जो है मेन दबाना है, बात को दबाना है, ना कि हमें इंसाफ दिलवाना। मानसा के पिंड जोगा च बनी एक फैक्ट्री चो दर्जना पशुआं दी कट्टियां वड्डियां लाशां मिलन कारण मानसा ते होर नेड़लियां थावां ते तनाव बनिया होया। माल मंडी चो रह रहे कुछ व्यक्तियों कोलो 40 दे करीब पशुआं नूं मुक्त करवाया गया। मुजाहराकारियों ने शहर चो प्रशासन खिलाफ जम के नारेबाजी की। एक कमरे नूं इस लई अग लगा दित्ती गई क्योंकि इत्थे लोकां नूं भी अवारा पशु रखे होण दा शक सी। लोगों ने मोटरसाइकिलों भी अग के हवाले कर दिया। उधर SSP मानसा मुअत्तल करके उन्होंने थां नवे SSP हरप्रीत सिंह नूं लगाया गया। इस दौरान शहर च दुकाना अते होर अदारे बंद ने। बस स्टैंड नूं पुलिस ने बंद करवाया होया। शाम नूं कर्फ्यू दोबारा लागू कर दिया गया सी अते हुण सवेरे 6 बजे तक लागू रहेगा। मानसा के पिंड जोगा च बेजुमाने पशुआं नूं मारन की घटना नूं लैके गुरदासपुर विखे शिव सेना वल्लों रोस मुजाहरा किया गया। इस मौके शहर विच रोस मार्च करदिया हिंदू संगठनां दे आगुआं ने कहा कि बेजुबाने पशुआं नूं लालच खातर मारना बेहद घौणा अपराध है। उन्हां मंग कीती है कि पशुआं नूं मार के उन्हां दी हड्डियां दा चूरा बनाउण वाले फैक्टरी मालकां विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें कहा कि जेकर मामले च सरकार ने कोई ढिल वरती तो हिंदू संगठन पंजाब भर च वड्डी पद्धर ते रोस मुजाहरे करनगे। बठिंडा विखे अज कांग्रेस कमेटी वालों साबका विधायक हरविंदर जस्सी की अगवाई च डिप्टी कमिश्नर दफ्तर मूहरे धरना दिता गया। इस मौके कांग्रेसी आगुआ ने दोष लगाया कि वार्ड नंबर 6 की जिमनी चोन दौरान सत्ताधारी पार्टी वालों कांग्रेसी आगुआ ते वर्करा नाल मारकुट की गई है। उन्होंने कहा कि बठिंडा पुलिस वालों सरकार के इशारिया ते इस संबंधी मामला भी दर्ज नहीं किया गया। इस मौके जदों कांग्रेसी आगुआ ने डिप्टी कमिश्नर नूं मिलण की कोशिश की तो उन्होंने दफ्तर च वड़न भी नहीं दिता गया। अज का प्रदर्शन इस करके करना पाया कि जिहड़ा 7 तरीक नूं साडियां चोणां होईयां सन उहदे विच अकाली दल दे जिहड़े गुंडिया ने साडे जिहड़े लीडर सन उहनां नाल धक्का कीता। एक साडा PCC दा मैंबर सी बलवंत नाथ उहदे ते कुटमार कीती, ते जे नहीं इह साडे ते गौर करनगे तां असीं अगले 100 वार 101 जिहड़ा कि साडा मैंबर होगा उह भुख हड़ताल ते बैठूगा। फिर उस तों बाद असीं नहीं जिहड़ा बुलेटिन समा चले एक छोटे जे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद भी खबर इसी तरह जारी रहनगियां, बने रहो साडे नाल।